स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा। विभागीय शॉर्टकट से अपात्र ने बनवा लिया 70% विकलांगता का प्रमाण पत्र। हरदोई के कुछ विभाग भ्रष्टाचार में इस कदर डूबे हुए हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। विभाग में चरम पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अगर कोई विभाग अग्रणी है तो वह है स्वास्थ्य विभाग। वैसे तो समय समय पर इस विभाग के भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित होती रहती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। सिर्फ भ्रष्टाचार के क्रम में एक नया भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। न्यू सिविल लाइन्स 312/7 निवासी मोहम्मद तालिब पुत्र सराफत अली, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसने अपने स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अपना 70% विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा लिया। दरअसल यह प्रमाण पत्र वर्ष 1998 में जारी हुआ था, लेकिन आवेदक तालिब द्वारा विकलांगता कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 22 जुलाई 2019 को आवेदन किया गया था, जिस आवेदन पर विभाग ने कार्ड भी जारी कर दिया। तालिब की सिनेमा रोड पर पानीपत फूल लेडीज एवं लहंगा कलेक्शन के नाम से दुकान है, जिसका संचालन वह स्वयं करता है। तालिब पहले भी कर चुका है फर्जीवाड़ा। वर्ष 2013 में मोहम्मद तालिब ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए बैंक से जो ऋण लिया था वह दूसरे के उद्योग को अपना दिखाकर लिया गया था। यह ऋण मात्र मिलने वाली सब्सिडी को हजम करने के लिए लिया गया था। कई समाचार पत्रों ने इस फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की गई, क्योंकि सब्सिडी को हजम करने के प्रकरण में उद्योग विभाग व बैंक के कई कर्मचारी भी संलिप्त थे। इस कारण अधिकारियों का बचाव करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। यह प्रमाण पत्र बनवाने के पीछे सिर्फ मोहम्मद तालिब का एक ही मकसद था। वह चूंकि तालिब कपड़े का व्यापार करता है, इस कारण उसे आए दिन माल ले जाने हैं तो कानपुर, दिल्ली आदि शहरों में जाना होता है। इस कारण रेलवे व परिवहन में किराए में छूट मिल जाए, इस कारण यह प्रमाण पत्र बनवाया गया। अभी तक सातिर दिमाग वाले मोहम्मद तालिब द्वारा पता नहीं कितने रुपए का चूना फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार को लगाया जा चुका है। संबंधित विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र यादव ने बताया कि यह प्रमाण पत्र 1998 में बना था। यह प्रमाण पत्र परमानेंट में दर्ज है, इस कारण इसमें प्रार्थी को रिन्यूअल के समय उपस्थित नहीं होना पड़ता है। इस कारण यह प्रमाण पत्र अपात्र को बन गया, इस बात से विभाग अनजान रहा। मोहम्मद तालिब अपने फर्जीवाड़े के कारण वर्ष 2013 में भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे चले। एक सोची समझी रणनीति के तहत दूसरे के कारोबार को अपना दिखाकर सब्सिडी को हड़प कर लिया गया। एक बार फिर फर्जी विकलांग बनकर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक शायद इस प्रकार के लोगों के अंदर डर नहीं पैदा होगा। अब देखना यह है कि प्रकरण उजागर होने के बाद जिम्मेदार कोई कार्रवाई करते हैं या पूर्ण की भांति एक बार फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश संवाददाता अर्पित पांडे की रिपोर्ट।